सुनाने जा रही हूँ रामायण की स्टोरी। एक बार राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। उनकी तीन रानियाँ थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो राजा दशरथ जी ने यज्ञ करा, उनके चार पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वो थोड़े से बड़े हुए तो गुरुकुल में जाके शिक्षा सीखी। फिर वो सबसे बड़े हुए, फिर जाके उन्होंने तारकासुर का वध किया। फिर है ना शिव धनुष को तोड़ के सीता जी से शादी की। फिर कैकेयी माता ने दशरथ जी ने दो वरदान दिए थे। तो सीता जी जब राम जी का है ना राज अभिषेक होते जा रहा था, कैकेयी माता ने कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। तो राम लक्ष्मण और सीता चली गई वनवास। है ना जब वो वन में जा रहे थे तो है ना ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते जा रहे थे, राक्षसों को मारते जा रहे थे। ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते जा रहे थे, राक्षस को मारते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे वो चित्रकूट पहुँचे। फिर भरत जी आए मनाने के लिए। चित्रकूट से पंचवटी गए। पंचवटी में सूपना का ही राम जी का है ना देख के मोहित हो गई, रूप देख के मोहित हो गई। फिर वो सुंदरी का भेद डाल के आई, राम जी से बोली कि शादी करोगे मेरे साथ। राम जी ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी के साथ बोली तुम शादी करोगे मेरे साथ। फिर सीता को खा जाऊंगी बोलते बोलते लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी। है ना वो गई रोते रोते अपने भाई के पास, खरदूषण के पास। तो है ना खरदूषण ने पहले सेना भेजी और सुपना का उन्हें रास्ता दिखाने लगी। रास्ता दिखाई, फिर बाद में पहुंचे राम जी के कुटिया में। फिर लक्ष्मण है ना, फिर राम जी ने एक बाण चलाई, उसमें सारे सैनिक का सिर कटा और शरीर नीचे गिरा। फिर है ना उसका भाई है ना खरदूषण आया, वो भी ले चल। फिर खरदूषण भी मर गया। फिर है ना मैं अपनी रामन सुपना का गई है ना रावण के पास। रावण ने बोल, फिर है ना वो अपनी पूरी सेना के साथ आया। रावण आया। फिर दूसरा राक्षस है ना सोने का हिरण बन गया। फिर है ना वो सोने का हिरण बन गया राक्षस। फिर सीता जी है ना राम जी की कुटिया तक पहुँचे। वहाँ देखा सीता जी ने कि सोने का हिरण है ना। सीता जी के मन में लालच आ गया तो राम जी को बोले कि जाओ वो हिरण सोने का हिरण को पकड़ के लाओ। राम जी गए पकड़ने के लिए हिरण, और लक्ष्मण जी उधर ही रहे उनकी रक्षा के लिए। तो फिर राक्षस एक बार राम जी ने तीर चलाई, फिर हिरण को वो नहीं राक्षस को लग गई। फिर बोला है ना राम है ना लक्ष्मण लक्ष्मण ना सीता जी ने बोला जाओ जाओ। फिर वो गए लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना के, सीता जी उधर बैठ गई। फिर बात है ना लक्ष्मण जी गए है ना। फिर रावण आया कि लक्ष्मण तो चला गया, चलो मैं देख दो। फिर वन है ना उसने एक है ना बस भेद बदल लिया। फिर बिछामी दे कर रहा था, सीता जी लाने गई बिछा। फिर एक बार रावण ने ट्राई करके देखा कि जब पैर लग रहा था तो आग लग रही थी, और जब हाथ पहुंच रहा था तो चिंगारी। फिर है ना वो उधर बैठ के कुछ सोने लगा। फिर सीता जी लाई तो बोला इधर आके दो। फिर से है ना मैं सीता जी बोली नहीं। तो फिर राम क्या हम तुम्हारे पति को श्राप दे देंगे। फिर वो नहीं करके बाहर आई। फिर है ना उन्हें रावण ने फेंक कहा थाली, वापस जा रही थी लक्ष्मण दिखाने पर फिर नहीं जा पाई। फिर है ना रावण उसे पकड़ के ले गए। फिर जटायु मिला, जटायु ने बचाने की कोशिश करी पर है ना जटायु के पंख कट गए, वो नीचे गिर गया।
तब सीता जी ने अपनी चूड़ी और चूड़ी और माला और हसन में अपनी बाली और मांगा टीका नीचे गिरा दिया और पकड़ के ले गया उसे सीता जी को। जब राम जी आए लक्ष्मण जी से बात पूछ, फिर धीरे 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 ढूंढते 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 कुटे तक पहुंचे, फिर देखे कर नहीं अंदर जाके देखे नहीं, सीता सीता चिल्ला फिर भी नहीं मिला सीता जी। फिर धीरे धीरे वो ढूंढने चल पड़े, फिर है ना गए, तो फिर है ना रास्ते में जटायु मिला, जटाउनो रास्ता भी बताया और है ना फिर बोला कि है ना मेरा पंख भी काट गया और है ना सीता को ले गया रावण। फिर आगे बढ़ के सीते है ना जटायु को है ना बोल रास्ता पूछ के फिर ले गया दक्षिण दिशा है ना। चलते 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 है ना सी है ना उधर है ना सीता की चूड़िया तक पहुंची। फिर एक एक है ना एक इंसान था जिसे है ना किसी मुनि ने श्राप दे दिया था कि वो राक्षस रूप में रहेगा, जब राम लक्ष्मण आएंगे उनकी तरह दिशा में तो वो तुम्हारी बड़ी बड़ी हाथ काट के फिर है ना जाएंगे। फिर वो बड़े बड़े हाथ काट के रास्ता भूल के फिर गए आगे आगे। फिर चूड़ियाँ दिखी राक्षस से पूछ के गए, फिर सीता जी की चूड़ियाँ मिली, चूड़ियाँ से आगे बढ़ फिर है ना चूड़ियाँ लेके फिर है ना देखा ही सबरी माता थी। फिर सबरी माता ने अपने झूठे झूठे बेर खिलाए लक्ष्मण जी ऐसे मुंह फुला फुला के खाए। फिर आगे बढ़े आगे फिर है ना हनुमान जी मिले रास्ता पूछ के गए सबरी माता को, हनुमान जी मिले फिर जिन्हें सूरी की सेना से मिलाया। फिर उस भगवान जी ने देखा, पहले सुग्रीव ने दिखाया कि वो है ना सीता माता की मांग टीका माला और बाली नीचे उनने पोटली में बांध के अपनी अपना रुपट्टा तोड़ के पोटली में बांध के देखा था। फिर वो राम जी ने बाली को मारा। फिर जी है ना राम जी की अंगूठी लेके गए सीता जी के पास, तो देख दिखाए कि ना ये अंगूठी राम जी की। फिर सीता माता ने अपने बाल के वो दे दिए थे हनुमान जी को और हनुमान जी ने पूरी लंका का है ना जो है ना खाए ना आम ये सब थे फल फूल है ना जाके पेड़ गिरा गिरा के खाने लगा। तो किसी ने बोल दिया रावण को कि एक बंदर ने हमारे इधर वो कर रहा है, तो राम है ना उसने है ना रावण ने बोला कि जाओ उसकी पूछ में आग लगा दो है ना। जैसे ही हनुमान जी की पूछ में आग लगी है ना तो है ना हनुमान जी पूरी सोने की लंका जला दी। फिर गए है ना राम जी को दिखाया उनकी वो सब है ना राम जी की सेना समुद्र पार करने के लिए पत्थर से पुल बनाया राम 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 लिख के। फिर सब लोग गए लंका, लक्ष्मण युद्ध चल रहा था तो सबसे पहले आए नाथ आया, उनने राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। फिर गरुड़ जी आए खोलने के लिए तोड़ने के लिए, देखे कि ना ये तो विष्णु भगवान ने कैसे तोड़ेंगे। फिर वो तो भगवान तो अपनी लीला कर रहे थे। काकभूषण ने गरुड़ जी को राम जी की रामायण सुनाई। गरुड़ जी ने नागपाश तोड़ा। फिर है ना आया वो मेघनाथ है ना, फिर उन्हें शक्ति बांध चढ़ाया लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। फिर है ना हनुमान जी गए जड़ी बूटी लाने के लिए। फिर है ना उन्हें तो उन्हें समझ ही नहीं आया, तो है ना हनुमान जी एक हाथ से पूरा का पूरा पहाड़ी लेके आ गए। फिर लक्ष्मण जी ठीक हुए। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा है ना, मेघनाथ को वही नहीं मार सकता था जो 14 वर्ष के लिए सोया नहीं होगा, पर लक्ष्मण जी तो सोए नहीं थे।
उनकी नींद पूरी की थी है ना उनकी पत्नी ने। कुंभकर्ण को भी मार दिया। फिर वन में आया रावण, रावण को लड़ने के लिए सब। फिर से है ना राम जी ने एक सिर काटा, दूसरा आ गया, दूसरा सिर काटा, तीसरा आ गया, तीसरे सिर काटा, चौथा आ गया। फिर किसी ने कहा उनके उनके नाभि में मारो रावण के। फिर जैसे नाभि में लगा है ना रावण मरते मरते बोला राम, और ये रावण मर गया। विभीषण को राज्य मिल गया और राम लक्ष्मण और सीता जी लौट गए। फिर धोबी ने कहा कि है ना ये तो रावण के घर है क्या ये कहा। फिर राम है ना सीता जी ने अयोध्या छोड़ दी। सीता माता जी वन में गई वाल्मीकि जी के पास। उनके उधर दो पुत्र हुए, लव कुश ने राम जी का यज्ञ वो घोड़ा पकड़ा। फिर राम जी के पास गए, फिर उन्हें पता चला राम जी उनके पिता है। फिर उन्होंने उनको रामायण सुनाई। फिर सीता माता उधर आई, सब पूछ रहे थे। सीता माता थक गई थी, धरती से आई, धरती में ही समा गई। या पति रामचंद्र की जय। हैप्पी राम नवमी, जय श्री राम। मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय। जय श्री राम, जय श्री राम।